नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको ले जा रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाले शहर देहरादून की सैर पर। गढ़वाल क्षेत्र में बसा यह शहर भारत देश की राजधानी नई दिल्ली से उत्तर की तरफ 251 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। महान हिमालय और शिवालिक रेंज की गोद में दून घाटी में बसा और पूर्वी पश्चिमी दो बहुत ही खूबसूरत और कलकल करती नदियों गंगा और यमुना से घिरा देहरादून भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसी को दून घाटी भी कहते हैं। जैसे ही आप इस शहर में कदम रखते हैं, पहली चीज जो आपकी नजरों को आकर्षित करती है वह है इसकी पिक्चर्स की अनबीटेबल ब्यूटी और हिली कल्चर का सही समामेलन। देहरादून में प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी है जहाँ से हर साल बहादुर सैनिक निकलते हैं। देहरादून को देश की भारत के पहले आर्टिफिशियल ओलंपिक आकार के आइस स्केटिंग रिंक के लिए भी जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण देहरादून पर गढ़वाल संस्कृति का प्रभाव है। यहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। इस शहर में देश भर से प्रवासी आते हैं जिनका यहाँ के लोग गर्मजोशी और स्नेह के साथ स्वागत करते हैं। देहरादून को भारत का वर्षा नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे देश में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसा माना जाता है कि राम रावण युद्ध के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण सहित यहाँ आए थे। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का जन्म यहाँ पर हुआ था। देहरादून का नाम डेरा और दून के मिलन से मिला है जिसका अर्थ है घाटी में शिविर। यह भी कहा जाता है कि इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य से मिला है क्योंकि यह शहर द्रोण के निवास के रूप में भी पॉपुलर है। दूसरा मत ये भी है कि देहरादून का नाम श्री राम राय जो कि सिखों के सातवें गुरु के सबसे बड़े पुत्र थे, यहाँ उन्होंने अपना डेरा लगाया था, इसीलिए इसका नाम देहरादून पड़ गया। महान मौर्य सम्राट अशोक ने पहली शताब्दी के दौरान इस शहर पर शासन किया था। समय के साथ इस शहर का शासन एक हाथ से दूसरे हाथों में चला गया जिसमें सिख, मुगल, गोरखा और अंत में अंग्रेज शामिल थे। अब इस शहर की डेमोग्राफी की बात करें तो यह शहर 3,088 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 2011 की सेंसस के अनुसार यहाँ 16,96,694 लोगों की आबादी है जो कि पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी बिसाउ के आबादी के लगभग बराबर है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 549 लोगों की घनी आबादी रहती है। रिलीजियस फिगर की बात करें तो 86% हिंदू, 10% मुस्लिम, 1.4% जैन और 2.6% अन्य धर्मों के लोग यहाँ खुशी पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। देहरादून के सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ 1000 प्रति मर्दों पर 902 महिलाएं पाई जाती हैं। इस शहर के 84% लोग पढ़े लिखे हैं। देहरादून कई सारे एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट का हब है, इसीलिए इसे स्कूलों का शहर भी कहा जाता है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल, एक्टर राघव जुयाल और एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था। देहरादून के सड़कों पर दौड़ते ही गाड़ियों की नंबर प्लेट पर आपको UK 07 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा जो यहां का RTO कोड है। इस शहर की इकोनॉमिक सोर्सेज की बात करें तो यह टूरिज्म बेस्ड है। शहर की इकोनॉमी पास के राष्ट्रीय उद्यानों, हिल स्टेशन और हिस्टोरिकल प्लेसेस की उपस्थिति से बड़ी है। 2020 के अनुसार देहरादून की पर कैपिटा इनकम 2,993 अमेरिकी डॉलर है। पिछले 20 सालों में इस शहर ने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है। देहरादून उत्तराखंड का इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एवं IT हब है। देहरादून कई सारे नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सरकारी कंपनियों का घर है और यहाँ रक्षा उत्पादन के कई संस्थान भी है। यहाँ के लोग एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस और बिजनेसेस में काम करते हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। देहरादून अपनी लीची, बासमती चावल और बेकरी उत्पादों के लिए भी जाना जाता है। देहरादून को दिल्ली NCR के काउंटर मैग्नेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि देहरादून दिल्ली में प्रवास और जनसंख्या विस्फोट को कम करने के लिए या विकास के विकल्प के रूप में काम करता है। यह स्मार्ट सिटी मिशन का भी हिस्सा है।
आवी शहर की मनमोहक मनभावन और खूबसूरत रोमांटिक जगहों के साथ मुंह में पानी ला देने वाले व्यंजनों की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर ज्वाला मंदिर, भारतीय सैन्य अकादमी, राजा जी नेशनल पार्क, मसूरी हिल स्टेशन और सहस्त्र धारा जैसी खूबसूरत जगहें घूम सकते हैं। आप यहाँ पर वेज में छोले, गुड़ का पनीर, कडाली का साग और नॉन वेज में मटन करी का चटकारा ले सकते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? आप यहाँ पर हवाई, रेल एवं सड़क तीनों माध्यमों से आसानी से आ सकते हैं। देहरादून का अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसे जाली ग्रांट एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट कहा जाता है, लेकिन नजदीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का है। देहरादून रेलवे स्टेशन आने के लिए देश के प्रमुख शहरों से सीधी ट्रेनें पकड़ सकते हैं। आप यहाँ कई सारे स्टेट और नेशनल हाईवे 709B के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं।